हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी पार्टी की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा वैक्सीन को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन अब राजस्थान में वैक्सीन के डस्टबिन में मिलने के बाद राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। राजस्थान में डस्टबिन में मिली वैक्सीन के सवाल पर अनिल विज ने कहा कि इस बात का जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और राहुल गांधी हमेशा केंद्र सरकार को वैक्सीन के मामले में कोसते रहते हैं, अब उन्हें जवाब देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और इन्होंने वैक्सीन को कूड़े में डालकर रखा है, इसके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी का कौन सा मंत्री क्या बोले इससे राहुल गांधी ने क्या लेना? तो अपनी पार्टी संभाल, तू बता कमलनाथ क्या बोल रहा, उसके ऊपर एक्शन ले। तू अपनी पार्टी तो संभाल लेने जा रही तेरे से, और तू हमारी पार्टी की चिंता कर रहा। हमारी पार्टी ठीक चल रही है, यहां बहुत लोग हैं देखने वाले। राहुल गांधी जी देना इसके ऊपर दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और रोज वो टीके के बारे में केंद्रीय सरकार को कोसते नहीं थकते। अरे भाई अपना प्रदेश तो देख लो, लोग एक एक इंजेक्शन के लिए तरस रहे हैं और तुमने टीकों को कूड़े में डाल रखा। इनके खिलाफ तो आपराधिक मामला दर्ज किया जाना चाहिए। सारे हरियाणा में म्यूनिसिपैलिटी की जमीन पर लोग लीज पर रेंट पर बैठे हुए थे और उनके अधिकार नहीं थे, टूट जाती थी तो ठीक नहीं करा पाते थे। सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया है कि 20 साल से ज्यादा का जो भी बैठा हुआ है वो कलेक्टेड रेट पर, अब अगर 20 से ज्यादा है तो आगे हमने रिबेट भी दिया, 50% तक रिबेट दिया कि उसके हिसाब से वो उस जमीन की रजिस्ट्री कराकर उसका मालिक बन सकता है। हमने किराएदारों को, पट्टेदारों को, लीज होल्डर्स को मालिक बनाने का काम। अब देखिए किसानों का आंदोलन है, हमने हमेशा कहा है हिंदुस्तान एक। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।